हैप्पी दिवाली। तो कैसे हैं आप लोग? द थिंग इज़ की दिवाली का शाम हो चुका है और अभी हम लोग पटाखा फोड़ेंगे। पीछे मेरे डेकोरेशन आपको दिख रहा होगा और सामने हमारे फ्रेंड्स हैं और हम लोग इस मैदान में पार्क में पटाखा फोड़ने वाले हैं। तो लेट यहाँ पे हमारे फ्रेंड दोस्त लोग सब आ चुके हैं। ये अभिमन्यु ब्रदर, जिन्होंने कहा था कि पूल में करना सही रहेगा, तो दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग, मी इंक्लूडेड एंड माई फ्रेंड्स। और ये है हमारे कनिष्क भाई साहब, और ये हाथ में क्या फोड़ा भाई? ओहो, अच्छा। सो कनिष्क, आप क्या कहना चाहेंगे इस दिवाली के बारे में? बहुत ही मस्त, काफी सालों बाद हम लोग एक साथ आए हैं यहाँ पे। ये बात तो आपका सही है, 10 साल आई थिंक, एंड वो हमारे फ्रेंड और शारदा है। सबसे मेन बात तो ये है, शारदा है। ओके ओके। और ये हम अपना कलेक्शन, दैट इज व्हाट आई हैव। ये तो हम लोग जो अगर प्रीवियस व्लॉग आपने ये अपना बूम कर्तव्य दिखाते हुए मेरे ऊपर बस मत फेंकना। नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं चलेगा। ओके, और ये है स्वैग अपने भाई का। दिस इज हाउ धीरे धीरे हम लोग एक फोड़ेंगे। और ये मिर्ची बाम आप क्या ही देखते हैं, ऐसे बोलते बोलते ये फट गया। आप लोग को आई विल बी शोइंग द बिगर वन, और दिस इज हाउ ही विल बी डूइंग रॉकेट। हम लोग पीछे आ जाते हैं, और ये सच में थोड़ा डेंजरस लग रहा है। गए हैं और दो हमारे, एक है समुजल और एक है भाई। भाई को क्या ही बोले, ही सुयश रत्ना। और यहाँ पे चल रहा है प्लानिंग रॉकेट चलाने का, बिकॉज दैट वाज द फ्यूज वन। और ये है जेपी, जो कह रहा था क्या कि पोल्यूशन होता है। हाँ, प्रदूषण होता है, वो तो होता ही है। विराट कोहली की तरह थोड़ी है जो इंस्टाग्राम पे बोलेंगे और उसके ऐड भी करेंगे। दिस इज हाउ वी यूज्ड टू प्लांट रॉकेट बॉम्ब्स व्हेन वी वर किड्स। और ये है जिसे कहते हैं अपना अनार बम। ठीक है, मेरा स्टेटमेंट मत डालना भाई। क्यों जेपी? हमको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। कोई नहीं कोई नहीं, और ये होते हुए बोले ना। और ये पेंडस का ऊपर जाने वाला है, लॉन्च होगा, सो मैं पहले से इसे ऊपर ले जाता है। दिस इज व्हाट इट डज। जल गया, जल गया, हट जा। वो अपने जेपी भाई सबसे ज्यादा डेयरिंग काम करते हुए थोड़ा देर बाद जलेगा, एक बार नहीं जलेगा। हो गया, लग जा। ये इसे कहते हैं रॉकेट रेस, जो ऊपर जाता है जी, इसको नीचे छोड़ने वाले हैं। अरे रॉकेट कहाँ भाई? ये देखिए रॉकेट यहाँ पे। अब भागने के लिए तैयार रहे सब कोई। ये अपने जाबाज बूम, दो रॉकेट एक बार में जलाते हुए। और ये बूम फ्यूज करते हुए एक नहीं कर पाए। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दो रॉकेट को मैं एक साथ जलाएगा। दिस इज कॉल्ड अनार बम, और ये एक साथ चलेगा। देखो अनार, अच्छा होगा। लोग बीड़ी से जलाते हैं, और ये हमारे जैन भाई साहब हाथ में पकड़ के जलाएंगे। और ऊपर कर ले, और ऊपर कर ले। हैं
जलाने वाले में चरखी, इंग्लिश में क्या कह रहे हैं इसमें मेरे को पता नहीं है, ये अच्छा से बस टॉप फायर टॉप आई डोंट नो फायर बेब्लेड लग गया लग गया लग गया सो व्हाट बेसिकली आई एम गोइंग टू डू नाउ इज लाइट अप फोर चक्रीज एट अ गो एंड दिस इज अ फॉर्मेशन लेट्स सी व्हाट इट डज पटाखा जले स्वाहा एक खुश है वो क्या कर रहा है और ये है एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब दैट विल बी इग्नाइटेड बाय रिकी और यहाँ और जेपी भी कुछ करामाती करते हुए कुछ एक तो प्लांट किया है जेपी अरे यार क्यों बताता है इसको ये जो आप देखने वाले हैं दैट इज 7 स्टार ये लगाया जाएगा हमारे रिकी भाई के शुभ हाथों से जल तो जाएगा दोनों हाँ ये दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है माचिस इज इन माय पॉकेट और ये मेरा मैजिकल वॉन्ड और ये बूम अबे एक फटा एक और ओके ये है अपने बूंग भाई का करामती ही हैज डन दिस काइंड ऑफ सेटअप और ब्रदर व्हाट कैन इसे होगा क्या जो होगा भगवान ओ माय डॉग सो फ्यूज में आग लग चुका है सॉरी बॉम्ब में आग लग चुका है और लेट्स सी ये क्या होता है ब्लास्टेड ऑफ आजा और ये तीन पेंटर्स का हमारे एक साथ जलेंगे लेट्स सी क्या होता है एक दो अभी गिर गया बे ओपन तीन ये बॉय नहीं फूल है एक बार है एक बार है बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दो रॉकेट एक साथ जलाएंगे रुक जा रुक 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 उधर है ये ले बम ले अरे क्या चटाई वी आर नियरिंग द एंड ऑफ आवर दिवाली सेलिब्रेशन एंड दिस इज द चटाई बम और एक और चटाई बजाओ रिंग 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 गया एक और चटाई द लास्ट ऑफ द चटाई बम ये है चटाई बम आप लोग अच्छे से देख सकते हैं और ये अब फटने वाला है बम के हाथों